मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज 15 अगस्त है और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दरअसल आज से 76 वर्ष पूर्व हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था और तब से हम आज़ाद भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त सन 1947 वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत को आज़ादी मिली थी। आज पूरा देश आज़ादी के उन वीर क्रांतिकारियों को याद कर आज़ादी के रंग में रंगा हुआ है। सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट दफ्तर और सोसाइटियों में तिरंगा फहराया गया, जहां लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आज़ादी की जश्न मनाते हुए नजर आए। मुंब्रा शहर में भी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मुंब्रा शहर के न्यू सैलेस नगर में यूथ फाउंडेशन ने आज़ादी के जश्न के मौके पर तिरंगा फहराया और बच्चों ने कार्यक्रम में अलग अलग वेशभूषा में नजर आए और साथ ही बच्चों ने आज़ादी के उन वीरों को याद कर देशभक्ति गीतों पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सीनियर PI NB कुलहटकर ने तिरंगा फहराया और सलामी दी गई। मुंब्रा के दारुल फलाह मस्जिद के पास आज़ादी के जश्न के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद SDPI पार्टी की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से रिदा रशीद के कार्यक्रम में झंडा फहराने राजन किने पहुंचे और देशवासियों को इन्होंने आज़ादी की मुबारकबाद दी। वहीं NCP पार्टी के कलबा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने कार्यालय पर तिरंगा फहराया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आज़ादी की शुभकामनाएं दी। तो वहीं बाईपास से नज़दीक अमार गार्डन रोज सोसाइटी में तिरंगा फहराने के बाद सलामी दी गई और एक दूसरे को आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए लोगों ने मिठाइयां खाई। दिल की गहराइयों के साथ हम मुबारकबाद देते हैं यूथ फाउंडेशन ऑफ सैलेश नगर, न्यू सैलेश नगर, जो हमारे बच्चों में भी एक जज्बा पैदा करता है और वो याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने अकाबरी जो है एंसेस्टर्स ने किस तरह से कुर्बानियां दी और इस कुर्बानी को इनको कैसे हमें हैंडल करना है और आगे जो इंडिपेंडेंस जो है उसको कैसे ही हमको परफॉर्म करते रहना है। मैं सभी मुंब्रा वासियों को हमारे यूथ फाउंडेशन जो न्यू सैलेश नगर है उसकी तरफ से सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना है और मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुंब्रा वासियों को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस 15 अगस्त अपना स्वतंत्र दिन है, बहुत धूम धमाके से मनाया जाए और पूरा मुंब्रा में अमन और शांति मनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की बुनियाद पर आज हमें ये दिन नसीब हुआ है कि हम 15 अगस्त के इस मुबारक मौके पर जश्न आज़ादी मनाने के लिए दारुल फलाह के इस चौक पर इकट्ठा हुए हैं। बड़ी तादाद में हमारी पार्टी के वर्कर्स यहाँ जमा हुए थे, आवाम यहाँ जमा हुई थी, ख्वातीन यहाँ जमा हुए थे और एक संदेश दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि मुल्क जिस तरीके से पहले अमन व अमान का गहवारा था, प्यार मोहब्बत की फिजा थी, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्म और तमाम मजहब के मानने वाले एक भाई भाई मिलकर के एक तरीके से एक इज्तिमाईयत के साथ में, प्यार मोहब्बत के साथ में जिंदगी जीते थे, उसी किस्म की फिजा दोबारा कायम करने के लिए हमें मुल्क में एक बार फिर कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त हमारा मुल्क फिरका परस्तों के हाथों गुलाम हो चुका है और दस्तूर को और कानून को बालाए ताक रख करके आज पूरे मुल्क के अंदर एक नंगा नाच नाचा जा रहा है। हम इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुल्क के इस कानून को, आईन को, दस्तूर को, कॉन्स्टिट्यूशन को जो बाबा साहब ने हमें दिया था उसको बचाने की हम कोशिश करेंगे। सभी को बहुत बहुत मुबारक हुई और पूरे देश के लोगों को मुबारक हुई, खास करके मुंब्रा के लोगों को आज के दिन की मुबारक हुई। आज 15 अगस्त हम मना रहे हैं लेकिन देखिए 15 अगस्त मना रहे हैं, आज देश की आज़ादी का दिन मना रहे हैं, लेकिन एक संकल्प मैंने लिया था मुंब्रा के लिए कि मैं इस जगह झंडा उच्चन करूंगी। आज 2 साल से आप लोग देख रहे हो, कुछ तो करना चाहिए उस दिन। तो ये जो जगह पे हम खड़े हैं, 2 साल पहले यहाँ पर मतलब साल में 2 बार ये सब साफ होता है और इंशाल्लाह आगे भी करूंगी, लेकिन इस तरीके से झंडा उच्चन यहाँ होता है संजय नगर में, यहाँ का पूरा कचरा साफ किया जाता है और उसके बाद यहाँ झंडा उच्चन किया जाता है। तो मुझे लगता है सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए, सच्ची विचार लेके आज के दिन के लिए मनाना चाहिए। तो सबको वापस से एक बार बहुत बहुत मुबारक। आज 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, आज पूरे देश भर में
स्वतंत्रता दिवस की जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी भारतीयों को एक करोड़ 140 करोड़ भारतीयों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे जो बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है हम उसे भुला नहीं सकते। तकरीबन 1947 में हमारा ये भारत देश आजाद हुआ था। आज मुमरा शहर के अंदर, मुमरा शहर के हर स्कूल, हर कॉलेज, हर एनजीओस, हर पॉलिटिकल पार्टीज, मुमरा पुलिस स्टेशन में आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से झंडा फहराया जा रहा है और हर तरफ से एक नारे लग रहे हैं कि इंकलाब जिंदाबाद। यानी हम हमारे देश के लिए जो हम तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी है या दे रहे हैं, हम इंकलाब नारे के साथ